हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजेनाइटल एनोमलीज़। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज़ इज़ एनी अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बर्थ। मेजर स्ट्रक्चरल एनोमलीज अकर्स इन 2-3% लाइव बॉर्न इन्फेंट एंड माइनर एनोमलीज लाइक स्मॉल ईयर्स, पिगमेंटेड स्पॉट एंड शॉर्ट पाल्पेबल फिशर्स अकर इज अबाउट 15%। ठीक है, मतलब कंजेनाइटल एनोमली का क्या मतलब होता है कि जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है न्यूबॉर्न की, उसमें अल्ट्रेशन होना एट द बर्थ। ठीक है, और जो मेजर स्ट्रक्चर एनोमलीज होती है वो 2-3% होती है लाइव बॉर्न इन्फेंट में, और जो माइनर एनोमलीज होती हैं वो 15% तक देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, 50% नियोनेटल जो होते हैं वो उनके जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो उनका उसका कोज अननोन होता है, लेकिन कुछ नोन कोज भी होते हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एनोमलीज या फिर जीन म्यूटेशन जैसे हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ इन्वायरमेंटल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं जैसे कि रुबेला है, हर्पीज है, रेडिएशन है या फिर ड्रग है। ठीक है, कुछ ड्रग्स की वजह से लाइक थैलिडोमाइड या एंटी कन्वलजेंस या स्मोकिंग एल्कोहल, इन सब की वजह से कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। ठीक है, और जो मेजर मालफॉर्मेशन होते हैं वो जो टेराटोजेनिक एक्सपोजर आने की वजह से ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, तो 3-8 वीक ऑफ जेस्टेशन टाइम पे अगर टेराटोजेनिक इफेक्ट आ गए अगर फीटस में, तो उसकी वजह से भी मेजर मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसका पेरिनेटल डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो कंजेनाइटल एनोमलीज का पेरिनेटल डायग्नोसिस भी मेनी टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं या मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन कर सकते हैं, या फिर HCG कर सकते हैं, या फिर अनकॉन्जुगेटेड इस्ट्रोइडल या फिर एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, या कोरोनिक विले सैम्पलिंग बायोप्सी के थ्रू भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से बर्थ डिफेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि पेरी कंसेप्शनल फोलेट सप्लीमेंट के थ्रू जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर होने के चांसेस हैं तो वो चांसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, और जो टेराटोजेंस जो डिजीजेज है जो हो सकती हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि स्मोकिंग एल्कोहल, ठीक है, थैलेंडोमाइड का यूज नहीं करके प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो बर्थ डिफेक्ट इंसिडेंस हैं उनका जो रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ माल फॉर्मेशन होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं अभी, तो सबसे पहले है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। इन द फीटस प्लूरल पेरिटोनियल कैविटी कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब फीटस में क्या हो जाता है इस कंडीशन में कि जो प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी है उसका उसमें कम्युनिकेट हो जाता है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेट तो ये दोनों जो कैविटीज़ होती हैं, पेरिटोनियल कैविटी और प्लूरल कैविटी, ये डायफ्राम के थ्रू सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है कि ये डायफ्राम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फेलियर ऑफ डायफ्राम डेवलप, मतलब जो डायफ्राम है उसका डेवलपमेंट फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जो पेरिटोनियल और प्लूरल कैविटी है उनमें कम्युनिकेशन रह जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइनल लूप, स्प्लीन या लीवर है, वो चेस्ट वॉल में एंटर कर जाते हैं, चेस्ट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो हार्ट को भी एंटीरियर पुश करते हैं और लंग्स को भी कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रीनेटल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करके या MRI करके ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, और कंफर्म कर सकते, रेडियोग्राफिकल डायग्नोसिस के थ्रू कंफर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, और जो स्टमक है, बेबी का स्टमक है, स्टमक बबल्स और इंटेस्टाइनल लूप्स जो दिखाई देंगी उसमें हमको डायग्नोसिस में।
और मेनली क्या होता है, इसमें स्केफोइड एब्डोमन दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि जो एब्डोमिनल की कंटेंट्स है, एब्डोमिनल ऑर्गन है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गए हैं, तो एब्डोमेन है वो स्केफोइड शेप में दिखाई देता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो इंट्यूबेटर और वेंटिलेटरी सपोर्ट हम दे सकते हैं, ठीक है, और इसका जो कन्फर्मेटिव मैनेजमेंट है वो सर्जिकल रिपेयर ही हो सकता है, तो सर्जिकल रिपेयर करके भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल कंटेंट है उनको रिडक्शन करके, तो एब्डोमिनल कंटेंट है उनको पेरिटोनियम कैविटी में उनको वापस लाकर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये है स्केफोइड एब्डोमेन। उसके बाद में नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी है ट्रेकियो इसोफेजल फिस्चुला एंड इसोफेजल एट्रेसिया। तो इसमें क्या होता है कि जो इसोफेगस और ट्रेकिया है वो दोनों अलग अलग, उनका दोनों का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनका अलग अलग डेवलपमेंट होता है, लेकिन इस एबनॉर्मलिटी में क्या हो जाता है कि या तो इसोफेगस का एट्रेसिया हो जाता है या फिर ट्रेकियो इसोफेगल फिस्चूला कनेक्ट फिस्चूला बन जाता है, इस ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्चूला बन जाता है। तो उसके उससे क्या होता है कि ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, तो ट्रेकियो इसोफेजल स्पेक्ट्रम सेपरेटेड द एंटीरियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम द गट पोस्टीरियरली एब्डोमिनल डेवलपमेंट कैन लीड टू कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, ठीक है। तो और जो इसोफेगस है उसका इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होना वो इसोफेजल एट्रेसिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बहुत से टाइप्स होते हैं इसके, तो ये जो आप ऊपर इमेज देख रहे हैं ये ट्रेकियो इसोफेजल फिस्चुला एंड इसोफेजल एट्रेसिया के टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या हो जाता है, जो इसोफेगस है उसका एट्रेसिया हो रहा है, और सुपीरियरली तो इसोफेजल एट्रेसिया हो रहा है, और एंटीरियरली जो इसोफेगस है वो ट्रेकिया के साथ में उसका फिस्चूला बन रहा है, ठीक है। और सेकंड वाली इमेज में उसमें भी जो पोस्टीरियर इसमें भी यही कंडीशन हो रही है कि जो इसोफेगस है उसका एट्रेसिया हो रहा है, और इसमें कनेक्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन एट्रेसिया हो रहा है, ठीक है। और जो थर्ड इमेज है इसके अंदर दोनों का फिस्चूला हो रहा है, दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है। और फोर्थ है उसके अंदर भी जो सुपीरियर इसोफेगस है उसका कम्युनिकेशन हो रहा है ट्रेकिया के साथ में, ठीक है। और जो फिफ्थ इमेज है उसके अंदर सुपीरियरली भी कम्युनिकेशन हो रहा है और इन्फीरियरली भी कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका ये किस किस कंडीशन में हो सकती है, जैसे प्रीनेटली ये जो इसोफेजल एट्रेसिया है वो जो पॉलीहाइड्रोमनोस की अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में ही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और पोस्टनेटली इन्फेंट विद इसोफेगस एट्रेसिया, जो पोस्टनेटली जो इसोफेगस एट्रेसिया है बच्चे में, तो उसमें क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा बच्चे में, कफ करेगा बच्चा, चोकिंग होगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है, फीडिंग के बाद में ये सब कंडीशन बच्चे में होगी, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो सिक्रीशंस है एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो सिक्रीशन है वो एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। और इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस तो कैथेटर इंसर्ट करके किया जा सकता है, तो कैथेटर जो होगा वो इनएबिलिटी होगी उसको पास होने में कैथेटर को इनटू स्टमक, ठीक है। और कन्फर्मेटरी होगा वो प्लेन एक्सरे से कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट जो होगा, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा अर्ली सर्जिकल रिपेयर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट राइज फ्रॉम एबनॉर्मल क्लोजर ऑफ, तो जो न्यूरल ट्यूब न्यूरल फोल्ड्स हैं उनका एबनॉर्मल क्लोजर होना ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाता है। 3 to 4 weeks में ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि
स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इसमें क्या होता है कि जो वर्टेब्रल कॉलम है, जो वो वर्टेब्रल कॉलम में कुछ वर्टेब्रे इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व है वो नॉर्मल रहती है इसमें, ठीक है। और डिफेक्ट है वो स्किन से कवर रहेगा तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वर्टेब्रा जो है वहाँ पे वो एब्सेंट रहेगी, ठीक है। और वहाँ पे जो एरिया है वो मार्क रहेगा, वहाँ पे पैचेस ऑफ हेयर और लिम्फोमा वहाँ पे रहेगा। सेकेंड है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसमें क्या होता है कि जो मेनिंजस है और मेनिंजस है उनका, और या फिर जो अंडरलाइंग स्पाइनल कॉर्ड है उसका प्रोट्रूजन हो जाएगा, ठीक है, जो ओपनिंग रह जाएगी इस वर्टेब्रल कॉलम की जो ओपनिंग रह जाएगी उसमें से स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजस का उसका प्रोट्रूजन हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। और ऐसा लीजन ओपन रहेगा और ये लीजन स्किन से कवर्ड नहीं रहेगा, कि जो ये नीचे वाली इमेज है ये आप देख सकते हैं, ये मेनिंगो माइलोसील इन लंबो सेक्रल एरिया, ठीक है। इसमें ये जो एरिया है वो ओपन है। उसके बाद में इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो वुमेन है वो चाइल्ड बेरिंग एज में उसको 0.4 mg फोलिक एसिड लेना चाहिए पर डे टू रिड्यूस द हैविंग बेबी विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और मैनेजमेंट इसका कैसे कर सकते हैं, मल्टी डिसप्लिनरी एंड डिपेंड ऑन सीवियरिटी ऑफ लीजन एंड द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मेनिंगोसील एंड माइलोसील रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर, ठीक है, सर्जिकल रिपेयर करके ही इसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद में है कंजेनाइटल टेलीपस इक्यूनोवेरस या और क्लब फूट, तो क्लब फूट भी उसमें देखने को मिलता है। तो कंजेनाइटल टेलीपस इक्यूनोवेरस इज ए स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ फूट, ठीक है, स्ट्रक्चरल फूट की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है ड्यू टू मल्टीफैक्टोरल इटियोलॉजी, ठीक है। द फूट इज इन साइक्लिंग इनवर्ड एक्सियल रोटेटेड हो जाता है, आउटवर्ड रोटेटेड हो जाता है और पॉइंटेड डाउनवर्ड हो जाता है इसमें फूट, ठीक है। दिस डिफॉर्मिटी इज रिजिड, ऑफन रेजिस्ट करेक्शन, ठीक है, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड वेरी अर्ली, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड कास्ट एप्लीकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ कास्ट एप्लीकेशन से इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टेलीपस इक्यूनोवेरस की इमेज है जिसमें कि फुट की पोजीशन ऐसी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ ली कंजेनाइटल एनोमलीज। ओके, थैंक यू।